रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मटन यखनी दम बिरयानी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। इसको आप रोज़े में बनाएंगे तो रोज़ेदार का दिल खुश हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा यमी बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इस डिलीशियस सी बिरयानी को बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 750 ग्राम गोश्त है, मटन का गोश्त, आप बीफ़ का भी ले सकते हैं। और उसमें हम 3 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप करके डालेंगे। उसी के साथ हम डालेंगे नमक 2 टीस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 3 से 4 तेज़पत्ता डालेंगे। हमें इसकी यखनी बनाना है तो इसके लिए सारे खड़े मसाले, दालचीनी, बड़ी इलायची, 1 फूल है, 4 छोटी इलायची है, 4 से 5 लौंग है, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टी स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून है साबुत धनिया, और 10 से 12 काली मिर्च है। और ये देखिए, इस तरह से सारे मसाले इसमें, खड़े मसाले डाल देंगे। और हम यहाँ पर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक लहसुन की पूरी अक्खी डली जिस तरह से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 1 बड़ा चम्मच भर के डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें हम पानी डालेंगे यखनी बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, कम से कम यहाँ पर 1.5 से 2 कप पानी डालना है। और इसको प्रेशर लगाएंगे और हाई फ्लेम पे 1 मरतब प्रेशर आने देंगे। और जैसे ही 1 मरतब प्रेशर इसमें आ जाएगा, फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसको 15 मिनट के लिए कुक करेंगे लो फ्लेम पे। तो ये गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा और इसकी यखनी अच्छे से निकल जाएगी। और यहाँ पर 1 किलो मैं बासमती चावल लूँगी, उसको 1 घंटा पहले भिगो देना है। तो चावल भिगोने से बहुत ही अच्छा बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पुलाव को किस तरह से बनाएंगे। तो पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर 1 बर्तन को गरम करेंगे। जैसे ही गरम हो जाए, इसमें 1/2 कप के बराबर तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को स्लाइसेस में बारीक कट करना है और प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो जैसे ही इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा, तो थोड़ी सी प्याज हम निकाल लेंगे ऊपर गार्निश करने के लिए, और बाकी थोड़ी सी प्याज को इसी में रहने देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी और हम इसको साइड में रखेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के, और अदरक लहसुन के पेस्ट को खूब अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन अच्छे से ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे इसका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इसमें 10 से 12 हरी मिर्च को बारीक सा ग्राइंड कर लेना है और डालना है। तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 10 से 12 मिर्च ली थी, तो ये बिल्कुल परफेक्ट था। और फिर इसमें हम 1/2 कप दही डालेंगे, फ्रेश दही, और दही और सारे मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से भूनेंगे। तो गोश्त हमारा गल गया तो गोश्त को अलग कर लेंगे और यखनी के पानी को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले पूरा गोश्त डाल देंगे। तो जो यखनी का पानी है, उसमें से सारे खड़े मसाले हटा लेना है और उसको छान लेना है। तो यहाँ पर देखिए, 1 कप यखनी का पानी निकला है। और यहाँ पर देखिए, जितना चावल है उसका 1.5 गुना हम पानी डालेंगे। तो ये देखिए, 3, 4, 5 और ये 6 और ये 7, 7 कप पानी डालेंगे। और क्योंकि हमारा चावल है 5 कप। और फिर इसमें पानी में नमक टेस्ट करेंगे, नमक कम लगे तो नमक डाल देंगे। और हाई फ्लेम पे इसमें 1 उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही इसमें 1 उबाल आ जाएगा, इस चावल हम इसमें ऐड करेंगे। तो चावल का पूरा पानी निकाल लेना है, तभी हम इसमें डालेंगे पूरा चावल। तो ये देखिए, पूरा चावल डाल देंगे। और 1 मतलब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर। और आपके पास कोई भी पुलाव या बिरयानी का मसाला हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून। और फिर हाई फ्लेम पर इसमें 1 उबाल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें बहुत ही अच्छे से उबाल आ गया, इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। जब इसमें बहुत थोड़ा पानी बचे, ये देखिए बहुत ही कम पानी इसमें बचा हुआ है, तो हम इसको दम पे लगाएंगे। तो दम पे लगाने से पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। उसमें ऑरेंज फूड कलर लेना है थोड़ा सा, और फिर उसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालना है 3 से 4 बूंद, और थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बना लेना है। तो इसको इस तरह से डालेंगे तो ये यखनी दम बिरयानी में कलर ज़रूर जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना डालें। और फिर यहाँ पर हरी मिर्च का अचार डालना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये रेसिपी के लिए। तो अगर मिर्च के अचार की रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे अपलोड है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये देखिए, अचार भी डाल देना है। उसी के साथ हम थोड़ी सी तली हुई प्याज भी डाल देंगे जो निकाल कर रखे थे।
और फिर हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ा कपड़े से कवर करेंगे, और इस लो नीचे कोई भी हैवी बॉटम का तवा लगा देना है, और कपड़े से कवर करने के बाद इसका ढक्कन लगाएंगे और 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम होने देंगे। और 15 से 20 मिनट बाद हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको खोलेंगे। डायरेक्ट नहीं खोलना है क्योंकि जो इसकी स्टीम होती है निकल जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। तो जब ये सेट हो जाए तो फिर हम इसको निकालेंगे। तो ये जो मिर्ची का अचार मैं डाली थी इसको हटा लूँगी, क्योंकि बच्चे लोग को तीखा नहीं पसंद होता है, तो हटा लूँगी तो खाने के टाइम उसको खा लेंगे। लेकिन इसलिए कि जब इसको हम मिक्स करेंगे तो अचार सब में मिक्स हो जाएगा, तो बच्चे तेज़ नहीं खाते हैं, तो इसके लिए मैं इसको हटा दी हूँ। और बस चावल को हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। बहुत ही अलग अलग एक एक चावल अलग अलग है, और बहुत ही टेस्टी ये बिरयानी बनती है। ज़रूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक कि अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।